हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द VPS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे इन माय टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यंग विवेकानंद। दिस इज योर चैप्टर 8, यंग विवेकानंद। विवेकानंद वॉज बॉर्न इन जनवरी 12, 1863 इन कोलकाता। क्लियर? ओके, नाउ सी, कम टू द स्टोरी। विवेकानंद रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता। ही वॉज ए फियरलेस चाइल्ड। फियरलेस चाइल्ड मीन्स निडर बच्चा था वो। ही रेस्पेक्टेड हिज एल्डर्स बट ऑल्सो बिलीव्ड इन वेरीफाइंग द ट्रूथ यूजिंग कॉमन सेंस बिफोर बिलीविंग इट। वो एक निडर बालक था और वो अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करता था और साथ ही में हर बात को वो बेवजह विश्वास नहीं कर लेता था। किसी भी बात को विश्वास करने से पहले यंग विवेकानंद उसको वेरीफाई करते थे। जैसे कि इन दिस इंसिडेंट द ग्रैंडफादर ऑफ हिज फ्रेंड टोल्ड दैट द ब्रह्मदत्त इज अ टाइप ऑफ घोस्ट हु lives in the tree, but he didn't believe this thing. He didn't believe the thing that Brahmadat lives in the tree. Okay? Now, the second quality of young Vivekanand was that he was a great storyteller. He didn't lie or take undue advantage of situation. वो झूठ नहीं बोलते थे और किसी भी चीज का, किसी भी स्थिति का कभी गलत फायदा नहीं उठाते थे। हिज सेंस ऑफ इंटीग्रिटी मेड हिम चेरिश्ड स्टूडेंट एंड फ्रेंड। और जो उनकी सत्यनिष्ठा थी, किसी भी बात के प्रति जो उनकी सत्यनिष्ठा थी, उस सत्यनिष्ठा ने उन्हें सभी के प्रति एज ए स्टूडेंट और एज ए फ्रेंड सभी का डियर बनाया। वो डियर स्टूडेंट भी थे, यानी अध्यापकों के लिए प्रिय थे और अपने दोस्तों के लिए भी बहुत ही प्रिय थे। नाउ नरेंद्र ग्रीव अप इनटू अ ब्रेव एंड एडवेंचरस मैन। वो एक बहादुर और साहसिक बालक के रूप में बड़े हुए। ही लर्नड अ लेसन फ्रॉम एन ओल्ड सन्यासी दैट मीट द ट्रबल्स हेड ऑन एंड दे विल डिसअपीयर। उन्होंने एक सन्यासी से यह शिक्षा प्राप्त की कि अगर कोई भी संकट आता है तो उसका सामना करिए, उस संकट से भागिए नहीं, क्योंकि एक बार उनको कुछ मंकीज ने घेर लिया था, उनका रास्ता रोक लिया था और वो डर गए थे। बट एक सन्यासी जो दूर खड़े ही सारी घटना को देख रहे थे, उन्होंने कहा कि डरो मत और इस कठिनाई का सामना करो, रुक जाओ, देखो और ये अपने आप, ये मंकीज तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे। और वैसा ही हुआ। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, अ लेसन लर्न। स्वामी विवेकानंद वैल्यूड हिज बिलव्ड मदर मोर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। वो अपनी मदर की सबसे ज्यादा वैल्यू करते थे दुनिया में, सबसे ज्यादा। अगर वो किसी को मानते थे तो अपनी मम्मी को। नरेंद्र इम्बाइब्ड मेनी ऑफ द ग्रेट क्वालिटीज फ्रॉम हिज मदर एंड दिस इज वाई वी नो हिम एज द सेल्फलेस ह्यूमन बींग दैट ही वॉज। और नरेंद्र नाथ ने बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज अपनी माँ से सीखी थी और इसीलिए आज हम उनको जानते हैं कि वो एक सेल्फलेस ह्यूमन बींग थे, जो अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों की परवाह करते थे। क्योंकि एक बार उनकी मदर ने उनका एक छोटा सा टेस्ट लिया, जिसमें कि उन्होंने नरेंद्र नाथ से चाकू मांगा और सिर्फ वो ये देखना चाहती थी कि नरेंद्र नाथ उनको किस तरह से चाकू देते। और उन्होंने चाकू का शार्प एज अपनी साइड किया और जो वुडन एज था वो अपनी मदर को दिया। इस तरह से उनकी मदर ने उनका टेस्ट लिया था देखने के लिए कि दूसरों के प्रति उनकी क्या राय है। तब उनकी मदर ने कहा कि आज तुम टेस्ट में पास हो गए क्योंकि तुमने दूसरों को भी अपनी तरह समझा और उसकी भी रक्षा की और उसको भी कटने से, मतलब हाथ ना कट जाए ये सोचकर तुमने उसको सही डायरेक्शन में तुमने वो नाइफ दिया। इसलिए आज ये क्लियर हो गया कि तुम एक कंपेंशनेट मींस तुम एक दयावान
बेटे हो. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो.